हाउ टू कंट्रोल सेक्सुअल अर्जेज इन नोफैब। देखो द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ नोफैब इज कंट्रोलिंग सेक्सुअल अर्जेज। यही एक पार्ट होता है जहां से आपकी स्ट्रिंग लंग भी बनती है, आप कहां से कहां जाते हैं यही एक मेन चीज होती है। तो उसको कैसे कंट्रोल करें, तो मैं आपको 5 ऐसे किलर वेज बताऊंगा। बहुत सारे वेज हैं जिनमें से मैंने आपको टॉप 5 किलर वेज आपको बताऊंगा जो आपके सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको, कोई भी अपनी प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो अगर हम प्रॉब्लम से पहले ही अगर उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ ले तो जब प्रॉब्लम आती है तो वो फेस करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं आती हमें, हम पहले से इसे रिड्यूस कर सकते हैं बहुत हद तक। वही चीज़ अर्जेस कहाँ से आती है, द फर्स्ट थिंग अर्जेस हमें आती है किसी भी चीज़ से, किसी भी सोर्स से। तो हमारा पहला पॉइंट है कि अर्जेस का सोर्स होता है ज़्यादातर लोगों ने जहाँ से फेस किया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। अब यूट्यूब पे बात करें तो वही चीज़ आपको शो होती है जो आप देखते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको फिर भी शो होती है तो नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम, मोस्ट थिंग फेसबुक से भी आप अनफॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सबसे मेन चीज़ है, इंस्टाग्राम पे जितने भी मॉडल्स हैं उनको सबको अनफॉलो कर दो, ये मेन चीज़ डिफ़िकल्ट थिंग है। और जो भी आपके फील्ड में, जो भी आपके हीरोज़ हैं जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उनको फॉलो करो। और जो नोफैब मोटिवेशन या फिर मोटिवेशंस आपकी लाइफ में बहुत सारे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके पेज आप फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप मॉडल्स को एकदम अनफॉलो कर दीजिए, किसी भी एक्ट्रेस को, क्योंकि यहीं से आपकी अर्जेज आती हैं। अगर उनको पहले से अनफॉलो कर दिया तो जो अर्जेज आने वाली हैं वो एकदम गायब हो जाएगी, यही चीज़ है। सेकेंड थिंग, यूज़ एड ब्लॉकर। जहाँ से यूट्यूब तो नॉट इंटरेस्टेड कर दिया, लेकिन कभी कभी ऐड आ जाते हैं, ब्लॉग आपके एड्स ब्लॉग में भी आ जाते हैं, और कभी कभी किसी अपन ऐप्स को यूज़ करते हैं तो भी ऐड आ जाते हैं। तो उसकी थिंक ये है कि अगर हम इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी ऐड आ गए तो यूज़ कोई भी ऐड ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं ऐप। जब बेस्ट ऐड ब्लॉकर ऐप की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े, वहां से जाके इंस्टॉल कर लेना, वहां से आपके ऐड में कभी भी आपको ऐड के द्वारा अर्जेस नहीं आएगी। थर्ड वे है वो है कोल्ड शॉवर और ड्रिंक कोल्ड वाटर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है। देखो जब भी अर्जेज आए तो आपको एक चीज़ करना है, कोल्ड शॉवर। बहुत सारे लोगों की विल पावर अगर कमज़ोर है तो कोल्ड शॉवर अगर वो ना जा पाए उसके लिए कोल्ड वाटर, आप कोल्ड वाटर ले सकते हैं। कोल्ड वाटर से सारी सेक्सुअल अर्जेज आपकी एकदम रिड्यूस हो जाती है, 90% आपका दिमाग एकदम डाइवर्ट हो जाता है। तो कोल्ड शॉवर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोल्ड वाटर आप ले, कोल्ड वाटर से हार्मफुल इफेक्ट्स आपकी बॉडी पर होते हैं। लेकिन जब अर्जेज आएँ, अर्जेज आपको रोज़ नहीं आती, जब भी अर्जेज आएँ आप कोल्ड वाटर ले सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नाउ द फोर्थ थिंग इज़ बेनिफिट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी। जब भी आपको अर्जेज आएँ एक चीज़ याद रखना, जो भी आपके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं सबसे पहले उनको याद करना कि आपकी बॉडी में कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो आपकी बॉडी में आए हैं फेब की वजह से, मास्टरबेशन की वजह से, उनको याद करना, सेक्सुअल अर्जेस बहुत हद तक कम हो जाएगी। उसके बाद में बेनिफिट्स याद करना कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, आपको एनर्जी मिलेगी लाइफ में, अट्रैक्शन मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, ये चीज़ बहुत हद तक काम करती हैं। इसीलिए ये चीज़ याद रखना, आपके गोल्स याद करना, तो ये सब साइड में हो जाता है उस टाइम। नाउ फिफ्थ थिंक, ये चीज़ बहुत काम करती है, राइट डाउन। जब भी आपको अर्जेस आए आप लिख देना कि क्यों मैंने नोफैब स्टार्ट किया था। और जो भी एक चीज़ है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मैंने पहले अर्जेस को कंट्रोल किया, जब नोफैब चैलेंज लिया तो भी मैंने ये चीज़ सोची कि आगे से मैं नोफैब फॉलो कर लूँगा। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, तो ये बात सोचना कि ऐसी चीज़ मैंने कितनी बार सोची है कि मैं आज अगर रिलैप्स कर लेता हूँ उसके बाद में कभी भी मैं आगे रिलैप नहीं करूँगा, तो वो चीज़ लिख देना बहुत बार पहले हुआ। अगर मैंने आज रिलैप कर लिया, जितने भी आपके 10-15 डेज का जब भी अर्जेस आए जितनी भी आपकी है, तो मैं जीरो पे आ जाऊँगा, यहाँ से आने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगेगा, ये चीज़ बहुत काम करती है। उस टाइम नोफैब आप बिल्कुल, आपकी स्ट्रीक लंबी बनेगी। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तो आप कर ही सकते हैं, आप कोल्ड शॉवर ले सकते हैं, पुशअप मार सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। लेकिन जो मैंने 5 वेज बताए हैं वो किलर वेज हैं। अब आपको ये चीज़ बता देता हूँ, इंस्टाग्राम की मॉडल्स को अगर आप
अनफॉलो करते हैं तो बहुत टाइम तक आपकी अर्जेज मिट जाती है। लेकिन आप मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो मेरा पर्सनल अकाउंट है। एक हमारा ऑफिशियल अकाउंट है जहाँ पर मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, जो नोफैब से रिलेटेड और अच्छी अच्छी पोस्ट डालता रहता हूँ लोगों को मोटिवेट करने के लिए। एक हमारा पर्सनल अकाउंट है, वहाँ भी जाके आप आराम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा प्रमोशन भी हो गया पर्सनल अकाउंट का। बाकी ये सब चीज़ें हैं, नोट डाउन करो और फिर से आप लिख डालो इन चीज़ों को। एक पेपर बना सकते हैं, आप दीवार पे चिपका सकते हैं। और अर्जेस कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको हर बार बताया है, मेडिटेशन बहुत काम में आता है और उसको हर बार बताता हूँ, लेकिन ये चीज़ अर्जेस काम करने के लिए है और मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। बाकी नोफैप करते रहो, अपनी स्ट्रीक लंबी करते रहो, हमेशा पहले स्ट्रीक तोड़ी तो उससे लंबी ही करने की कोशिश करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कमेंट करो कि कैसी वीडियो लगी आपको, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और भाई जो अल्ट्रा फैक्ट वर्ल्ड है उसको भी सब्सक्राइब कर देना, वहाँ पर मैं फैक्ट की वीडियोज़ डालता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।